हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नए वीडियो में। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं अपने ब्लूटूथ हेडफोन को अपने फ़ोन से कैसे डिसकनेक्ट कर सकते हैं, इसके बारे में बताने वाला हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास ये वीवो का फ़ोन है और आपको सबसे पहले क्या करना है, सेटिंग पर क्लिक करना है। तो क्लिक कर लेंगे। सेटिंग पर क्लिक करते ही आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, ब्लूटूथ डिवाइस पर क्लिक कर लेंगे। क्लिक करते ही आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, दोबारा से ब्लूटूथ वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास ये जो ब्लूटूथ हेडफोन बोट का है, तो यहाँ पर बोट का शो कर रहा है कि ये कनेक्ट है और यहाँ पर 60% चार्जिंग भी शो कर रहा है। तो हम इसको डिसकनेक्ट करने के लिए क्या करना होगा, राइट साइड पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके का आइकन शो हो जाएगा। आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, फॉरगेट और डिसकनेक्ट। तो हम फॉरगेट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे और फॉरगेट डिवाइस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही आपका ये फॉरगेट हो जाएगा, यानी कि ये ऑफ हो जाएगा। इससे क्या होगा फ्रेंड, जैसे कि आप डिसकनेक्ट करते हैं तो उससे क्या होगा, आपका जो है ब्लूटूथ हेडफोन अपने आप ही पेयर हो जाएगा। लेकिन फॉरगेट करते हैं तो दोबारा हमें पेयर करना होता है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।